कैसे आप लोग? जेईई एग्ज़ाम्स हो चुके हैं आपके, अभी आप समर वेकेशन बना रहे होंगे। पहले आप लोगों ने बहुत मेहनत करके जेईई का एग्ज़ाम दिया है, पर अगर आप उतनी मेहनत के साथ अगर अपना ब्रांच सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आपकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो आपको ब्रांच के बारे में इंट्रोड्यूस करने के लिए हमारे सामने आज बैठे हैं प्रशांत सोनी सर। ये हैं केमिकल इंजीनियरिंग थर्ड ईयर से, तो ये आपको ब्रीफ करेंगे केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में। आइए उनसे बात करते हैं। थैंक यू नेहा। तो सबसे पहले हेलो गाइस, मैं हूँ प्रशांत। तो स्टूडेंट्स को ब्रांच सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अब देखो यार, हमने इतनी ज़्यादा पढ़ाई कर ली, रैंक तो अपनी आ गई है। अब रैंक अपनी आ गई है तो कैरियर में जो आपके साथ ज़िंदगी भर रहने वाला है वो क्या होती है? ब्रांच। अगर आपको अपनी ब्रांच में इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप लाइक 4 साल भी गंदी तरह से काटोगे एंड आने वाली ज़िंदगी भी। तो काटनी तो किसी को नहीं है, लाइक सबको अच्छे से ज़िंदगी जीनी है। तो ब्रांच सिलेक्शन इंपॉर्टेंट कह रहा है। तो स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि केमिकल इंजीनियरिंग उन लोगों के लिए अच्छी होती है जिनको केमिस्ट्री आती है? अगर आपको केमिस्ट्री नहीं आती ना, तब भी आप केमिकल इंजीनियरिंग ले सकते हैं। केमिस्ट्री और केमिकल इंजीनियरिंग का कोई रिलेशन नहीं होता। अगर इनका रिलेशन होता तो अप्लाइड केमिस्ट्री अलग क्यों होती? ठीक है, तो केमिकल इंजीनियरिंग एंड हमारी अप्लाइड केमिस्ट्री दोनों अलग अलग चीज़ है। जो हमारी केमिकल इंजीनियरिंग है वो है सिस्टर ब्रांच ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जो स्टूडेंट्स को मैकेनिकल बाय चांस नहीं मिल पाती वो भी ऑप्ट कर सकते हैं कि हमारे जो भी कोर्स सिलेबस है वो सारा मैकेनिकल से मैच करता है। मैकेनिकल में हम बल्क बेसिस पे बात करते हैं, केमिकल में हम मॉलिकुलर लेवल बेसिस पे बात करते हैं। लेकिन जो लोगों ने परसेप्शन बनवा दिया है कि केमिस्ट्री से केमिकल इंजीनियरिंग होती है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सच भी है। क्योंकि जैसे हमारे सब्जेक्ट है थर्मोडाइनमिक्स, तो थर्मोडाइनमिक्स केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं हम, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। केमिकल काइनेटिक्स, तो केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर हम पूरे 1 साल पढ़ते हैं। तो ये 12th में जो केमिकल काइनेटिक्स है ना, वो केमिकल काइनेटिक्स हमारा बेस होता है, उसके ऊपर 1 साल हम पूरी बुक पढ़ते हैं। तो मेनली बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी ब्रांच है, जिसे हमें केमिकल वालों को केमी कूल बोला जाता है। तो लिटरली हम लोग कूल होते हैं, हमारे नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स भी बहुत कम होते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है कि लाइक अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हो मैकेनिकल में या फिर इलेक्ट्रिकल में, तो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स। बात करते हैं केमिकल की, 15-20 हज़ार है एंड नंबर ऑफ प्लेसमेंट रेशियो, और हमारे पीएससीज भी उतने ज़्यादा हैं, तो हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। ओवरऑल कूल ब्रांच है। थैंक यू सर, माय स्टूडेंट्स के मिथ्स रिगार्डिंग केमिकल इंजीनियरिंग को क्लियर करने के लिए और उनको जो है केमिकल के ब्रांच, केमिकल के सब्जेक्ट्स के बारे में इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो सर, लाइक केमिकल में फर्दर क्या क्या प्रोस्पेक्ट्स है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, लाइक हम कहाँ जा सकते हैं एंड यहाँ पे प्लेसमेंट सिनेरियो क्या है केमिकल डिपार्टमेंट का? तो देखो, मेनली सबसे मैं इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि लाइक केमिकल इंजीनियरिंग मिलने के बाद आप केमिकल इंजीनियर बनोगे ये कंफर्म नहीं होता। जब हम कॉलेज में आते हैं तो हमारे बहुत सारे क्लब्स होते हैं, हमारे टेक्निकल एंड कल्चरल फेस्ट कराए जाते हैं। NIT में बहुत ही अच्छे होता है, IITs में और भी अच्छे होते हैं। तो लाइक कॉलेज आपका अच्छा होता है तो आपको हर एक जगह जगह जाके एक्सपोजर मिलता है। तो अगर आपको एक्सपोजर मिल रहा है जहाँ पे भी आपको रिलेवेंट लगे, अगर आपको मज़ा आ रहा है MBA करने में, लाइक मैनेजमेंट स्किल्स आपकी अच्छी है, तो आप MBA की साइड जा सकते हैं। अगर आपको मज़ा आता है कि डेटा एनालिस्ट में, तो आप डेटा एनालिस्ट की साइड जा सकते हैं। लेकिन जैसे हमारा आज केमिकल इंजीनियरिंग का है, तो केमिकल इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा स्कोप है। केमिकल इंजीनियरिंग में गेट से आप आगे जाके ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग करके आप अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं। वहाँ पे आप केमिकल इंजीनियरिंग में लाइक रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स होगी, रिलायंस इंडस्ट्रीज होगी, और भी हमारी बहुत सारी इंडस्ट्री जो ऑयल एंड रिफाइनरी से कनेक्टेड हैं, लाइक HPCL, BPCL, IOCL। हमारा सोप मैन्युफैक्चरिंग, सोप कौन बनाता है? केमिकल इंजीनियर्स बनाते हैं, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो केमिकल इंजीनियर्स के तौर पर आ जाते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिन लोगों को UPSC में इंटरेस्ट है, तो हमारे केमिकल इंजीनियर्स इंडियन फॉरेस्ट्री सर्विस में काफ़ी अच्छा कर पाते हैं। जैसे हमें केमिस्ट्री फिजिक्स ऑप्शन रखनी पड़ती है, वैसे ही इंडियन फॉरेस्ट्री सर्विस में हम लोग केमिकल इंजीनियरिंग को भी ऑप्शनल रख सकते हैं। अगर आपकी ऑप्शनल सब्जेक्ट ही है तो ऑब्वियसली आप अच्छा करके आओगे एंड IFS निकालना आपके लिए रिलेटिवली आसान है डिफरेंट ब्रांचेस से। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। एंड हम होप करते हैं कि स्टूडेंट्स ये जो इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए यूजफुल रही होगी। वैसे हमने सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश की है, बट अगर आपको फर्दर कोई डाउट हो देन यू कैन लीव योर मैसेज इन आर इनबॉक्स और यू कैन गो टू आर ऐप फ्रीको एंड देयर यू कैन लाइक कॉन्टैक्ट विद आर मेंटर्स फ्रॉम वेरियस डिफरेंट IITs एंड NITs। थैंक यू वेरी मच। तो गाइस, मेनली आपके लिए इंपॉर्टेंट सेशंस हम लोग कंडक्ट करा रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई भी डाउट हो तो केमिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं और मैं ट्राई करूंगा एक और सेशन में नेहा के साथ लेके आपके वो डाउट्स को क्लैरिफाई कर पाऊँ। एंड ब्रांच काफ़ी अच्छी है, कूल रहना एंड कभी भी ये मत सोचना लाइफ में कि ये ब्रांच, मेरी ब्रांच अच्छी नहीं है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग अच्छी थी, CSE अच्छी थी। यार पैकेजेस तो अगर मैं बात करूँ, आप गल्फ कंट्रीज़ में जाते हैं तो वहाँ पे भी केमिकल इंजीनियरिंग 1 CR में पैकेज है, 40 लाख, 30 लाख, बहुत अच्छे अच्छे पैसेंटिक पैकेजेस हैं। तो डिपेंड करता है आप अपनी स्ट्रीम में कितना अच्छा करना है। सो थैंक यू गाइस वंस अगेन, बाय।